विजय सर का नाम ही काफी है, जिनके नाम से साउथ इंडस्ट्री की हर मूवी थिएटर में रिलीज होने से पहले ही नाम से ही सुपर डुपर हिट हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थलपति विजय की आने वाली नई मूवी, जिसका प्रोमो और नाम रिलीज किया गया है। साथ ही थिएटर में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज में मूवी माइकल का रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। थलपति विजय की एक नई मूवी आने वाली है, जिसका प्रोमो YouTube पर आ गया है। पहले इस मूवी को विजय 67 कहा गया था, लेकिन बाद में इसको एक नाम दे दिया गया है और मूवी का नाम होने वाला है लियो। इस प्रोमो में हमें देखने को मिला कि विजय सर एक तरफ तलवार बना रहे हैं तो एक तरफ चॉकलेट बना रहे हैं। इसके प्रोमो को देखते हुए बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि पिक्चर किस पे होने वाली, कहानी क्या होने वाली, ये तो ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके स्टार कास्ट में एक नाम को देखकर सबसे दिल एकदम खुश हो गए, वो था संजय दत्त सर का, जो अब तमिल डेब्यू करने जा रहे हैं। इससे यही लग रहा है कि संजू बाबा होने वाले इसमें जबरदस्त विलन के रोल में। विजय सर की इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं लोकेश कनगराज, जिनका पहले ही एक लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है, तो हो सकता है ये मूवी भी उसी का एक पार्ट हो। और ये भी हो सकता है कि इस मूवी में हमें रोलेक्स या विक्रम का कोई केमियो देखने को मिल जाए। ये मूवी रिलीज होने वाली है अक्टूबर 2023। इस प्रोमो का एक डायलॉग जबरदस्त लगा, ब्लडी स्वीट। तो इस लियो मूवी में हमें लोकेश कंगराजन और विजय सर की जोड़ी तो क्या रंग लाती है ये जोड़ी, ये फिल्म आने के बाद पता चलेगा। तो अब बात करते हैं माइकल मूवी की, जो हिंदी में थिएटर में रिलीज हुई है। इस मूवी की मुख्य भूमिका में संदीप है, लेकिन इस मूवी को देखकर ये वाइब आती है कि किसी ने KGF मूवी नहीं देखी हो तो इस मूवी को देख सकता है। सेम टू सेम KGF की कॉपी लग रही थी ये मूवी। साउथ की इस माइकल मूवी में कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। थिएटर में जब भी साउथ की मूवी हिंदी डब में रिलीज होती तो हमें ऐसा ही लगता है कि इस मूवी में कुछ नया देखने को मिलेगा या कुछ अच्छा। लेकिन अभी जो मूवियां आ रही हैं, उनमें से कुछ ऐसी मूवियां हैं जो एक की स्टोरी लाइन पे चल रही हो ऐसा लग रहा है। इस माइकल मूवी की स्टोरी भी 80s पर बेस, जो कभी पास्ट में या कभी फ्यूचर में चलती हुई दिखाई जाती है। और जैसे KGF में माँ बेटे की इमोशनल टच के साथ स्टोरी दिखाई जाती है, वैसी स्टोरी इसमें भी देखने को मिली। तो इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है। माइकल को इस मूवी में एक गैंगस्टर दिखाया गया है जो गुरुनाथ की जान बचाता है। गुरुनाथ ही उसे दिल्ली भेजता है, जो उसे जान से मारने वाले होते हैं उन्हें मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाकर उसे रतन की बेटी थीरा से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद में वो गुरुनाथ को मारने वालों को मारना तो भूल जाता है। असली कहानी जब शुरू होती है, जब विजय सेतुपति सर की एंट्री होती है। विजय सेतुपति सर की एंट्री जबरदस्त, उनकी एंट्री भी सेकंड हाफ के लास्ट में होती है, परंतु उनकी एंट्री के साथ ही मूवी थोड़ी ऊंची उठ जाती है, मतलब पेस पकड़ लेती है। बाकी तो इस मूवी में कुछ खास देखने लायक नहीं। इस मूवी को थिएटर में जाके देखना नहीं देखना वो आपके ऊपर है, फैमिली फ्रेंडली तो ये मूवी नहीं है। इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।